स्वागत है खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। बिशप मुलक्कल, 2 साल में एक नन से 9 बार किया था रेप, विधायकों को इलाके का दौरा ना करने की दी गई सलाह, नक्सली हमले पर दंतेवाड़ा SP। आखिर कौन है ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स जिन्हें अमेरिका ने प्रतिबंध किया है, अब खबरें विस्तार से। बिशप मुलक्कल ने 2 साल में एक नन से 9 बार किया था रेप, 1400 पेज की चार्जशीट दाखिल। केरल पुलिस ने मंगलवार को बिशप फ्रैंको मुलक्कल के खिलाफ 1400 पेज की चार्जशीट दाखिल कर आरोप लगाया कि उन्होंने 2 साल की अवधि के दौरान एक नन से 9 बार रेप किया है। चार्जशीट में एक कार्डिनल समेत 83 गवाहों के बयान दर्ज है। गौरतलब है कि बीते वर्ष अक्टूबर 2018 में गिरफ्तार हुए मुलक्कल जमानत पर चल रहे हैं। विधायक को इलाके का दौरा ना करने की सलाह दी गई थी। नक्सली हमले पर दंतेवाड़ा SP। दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस ने कहा है कि उन्होंने BJP विधायक भीमा मंडावी को इलाके का दौरा ना करने की सलाह दी थी। दंतेवाड़ा SP अभिषेक पल्लव के मुताबिक हमले के बाद दोनों ओर से गोलीबारी हुई थी। SP के मुताबिक 5 और सुरक्षाकर्मी विधायक की कार के पीछे थे और उनकी तलाश जारी थी। कौन है ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स जिन्हें अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया है? अमेरिका द्वारा घोषित आतंकी संगठन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की स्थापना इस्लामिक क्रांति 1979 के बाद हुई थी, जिसमें 1.5 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक है। ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य संस्था की स्थापना का उद्देश्य ईरानी सेना के समानांतर एक संगठन खड़ा करना था, क्योंकि क्रांति के बावजूद सेना में सत्ता से बेदखल किए ईरानी शाह के वफादार बच्चे थे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।